Good morning, students. Today we'll discuss about the forms of money. First one is fiat money and fiduciary money. Okay, we will discuss it in contrast. There are four forms of money. Okay, first category is fiat money and fiduciary money. The second one is full-bodied money and credit money. Okay, so what is fiat money and what is fiduciary money? Okay. Fiat money is the money which is issued by any authority or the government. Okay, जो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की किसी अथॉरिटी के द्वारा इशू होती है, ठीक है, किसी भी कंट्री में, वो करेंसी हमारी फिएट मनी का पार्ट होती है. ठीक है, दैट मीन्स द करेंसी विच हैज़ अ लीगल एग्जिस्टेंस. ठीक है, वो करेंसी जिसका एक लीगल एग्जिस्टेंस होता है, दैट इज अ फिएट मनी. ओके, दैट इज अ पार्ट ऑफ फिएट मनी. ऑन द अदर हैंड द फिड्यूसरी मनी, फिड्यूसरी मीन्स विच इज फेथ बेस्ड. ओके, सो द फिड्यूसरी मनी इज द करेंसी विच इज फेथ बेस्ड और विच इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप. ओके, जो फेथ या रिलेशन के ऊपर बेस्ड होती है वो हमारी फिड्यूसरी मनी होती है. ओके, सो फिएट मनी क्या है? जो भी करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स है, ठीक है, हमारी कंट्री में या किसी भी कंट्री के जो करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स है जो कि सर्कुलेट हो रहे हैं इकोनॉमी में, ठीक है, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ फिएट मनी बिकॉज दे आर आइदर इशूड बाय द गवर्नमेंट और एनी अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट. फॉर एग्जाम्पल, जो करेंसी नोट्स हैं एक्सेप्ट 1 रुपी, वो सारे कौन इशू कर रहे हैं? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट है. एंड जो 1 रुपी का नोट एंड कॉइन है एंड अदर कॉइन्स जो है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनको इशू कर रही है. ओके, सो ये लीगल एग्जिस्टेंस है, गवर्नमेंट उनको इशू कर रही है, तो ये सारे हमारे फिएट मनी के अंडर आ गए. द फिड्यूसरी मनी, फिड्यूसरी मनी इज द मनी और द करेंसी विच इज बेस्ड ऑन फेथ और रिलेशनशिप. जो फेथ और रिलेशन, दो पार्टीज के बीच में फेथ और रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड है. फॉर एग्जाम्पल, जितने भी हमारे चेक्स हैं, ठीक है, वो सारे चेक्स जो है फिड्यूसरी मनी है, क्योंकि किसी भी चेक के ऊपर, लाइक करेंसी नोट्स के ऊपर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या RBI के गवर्नर के जो सिग्नेचर हैं, ठीक है, वो है, लेकिन चेक के ऊपर ना तो RBI ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम है और ना ही RBI के गवर्नर के सिग्नेचर है, ठीक है, दैट मीन्स वो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की किसी अथॉरिटी के द्वारा इशू नहीं है, सिर्फ नाम लिखा हुआ है जिस बैंक का वो चेक है, ठीक है, जो बैंक का चेक बुक हमने लिया है जिसमें हमारा अकाउंट है, ठीक है, तो उसका नाम उसके ऊपर लिखा हुआ है. ओके, सो वो प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक सेक्टर का बैंक भी हो सकता है, तो गवर्नमेंट की अथॉरिटी नहीं है वो, ठीक है, गवर्नमेंट का कोई लाइक गवर्नमेंट की अथॉरिटी के द्वारा इशू नहीं किया गया है, ठीक है, तो वो पेयर एंड पेई है, ठीक है, मीन्स जिसने चेक काटा है और जिसको चेक मिल रहा है, उन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, उनके फेथ के ऊपर डिपेंड करता है कि दे आर एक्सेप्टिंग एंड पेइंग इन चेक. ओके, दैट्स वाई कि चेक जो है वो डिसऑनर या बाउंस हो जाते हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो लीगल एग्जिस्टेंस नहीं रखते हैं, दैट्स वाई वो बाउंस या फिर डिसऑनर हो जाते हैं, ठीक है. अदरवाइज जो हमारी करेंसी है, ठीक है, करेंसी नोट्स हैं, वो चाहे कितने ही पुराने हों, कि जब तक गवर्नमेंट उनको नहीं बोलती कि ये लीगल टेंडर नहीं होंगे, दीज नोट्स विल नॉट एक्ट एज अ लीगल टेंडर नाउ, ठीक है, जब तक गवर्नमेंट ऐसा नहीं बोलती है कि ये नोट्स या ये करेंसी नोट्स जो हैं लीगल टेंडर नहीं होंगे, तब तक उनको कोई एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता, ठीक है, वो इकोनॉमी में सर्क्यूलेट होते रहते हैं, ठीक है, वो अलग केसेस हैं कि जो फटे हुए नोट्स हैं, ठीक है, वो नहीं एक्सेप्ट होते हैं, ठीक है, अदरवाइज कितने ही पुराने हों, ठीक है, उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो 6 महीने पुराने हैं, साल पुराने हैं, 6 साल पुराने हैं, ठीक है, दे विल बी एक्सेप्टेड एज अ करेंसी. ओके, दे विल बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्लियर, क्योंकि वो लीगल एग्जिस्टेंस रखते हैं. दूसरी तरफ चेक्स का एक लिमिट है, टाइम पीरियड है, ठीक है, कि आफ्टर 6 मंथ्स वो वैलिड नहीं माने जाएंगे, ठीक है, एंड समटाइम्स वो बाउंस भी हो जाते हैं जब एक सफिशेंट बैलेंस नहीं है अकाउंट में, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि चेक्स जो है वो लीगल एग्जिस्टेंस नहीं रखते हैं, ठीक है, वो सिर्फ फेथ बेस्ड हैं, दो पार्टीज के फेथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. नेक्स्ट है फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी. फुल बॉडीड मनी मीन्स, बहुत सिंपल सा है याद रखने के लिए, वो करेंसी जिसकी मेटालिक वैल्यू मीन्स यू कैन से जिस मेटल से मिलके वो बने हैं, जिस मेटल से वो बने हुए हैं, ठीक है, तो उनका जो मार्केट वैल्यू या मेटालिक वैल्यू है जिसको हम कहें, वो और उसकी जो फेस वैल्यू मीन्स जितना उसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, तो इनको हम इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक वैल्यू भी बोल सकते हैं. इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मीन्स
जो उसके ऊपर लिखा हुआ है या प्रिंट हुआ है, ठीक है, दैट इज द एक्सट्रिंसिक वैल्यू, मीन्स जो दिख रहा है एक्चुअल में बाहर. इंट्रेंसिक वैल्यू विच इज हिडन, ओके, जो छुपा हुआ है वो मेटल का मार्केट वैल्यू है, ठीक है, जिस मेटल से वो मिलके बना है, जितनी क्वांटिटी का मेटल उसमें लगा के बनाया गया है, ठीक है, और मटेरियल यू कैन से, ओके, कॉमोडिटी वैल्यू भी उसको कह सकते हैं, कि जिस मटेरियल या जिस कॉमोडिटी से वो करेंसी मिलके बनी है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, ठीक है. तो फुल बॉडीड मनी इज द मनी व्हेन इन विच देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द कॉमोडिटी मनी एंड फेस वैल्यू, और मेटालिक वैल्यू और फेस वैल्यू, जिसमें मेटालिक वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, या कॉमोडिटी मनी और जो फेस वैल्यू है, ठीक है, उसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, मनी वैल्यू जिसको हम कह सकते हैं जितना उसके ऊपर लिखा है. फॉर एग्जाम्पल 2000 के नोट, करेंसी नोट्स के ऊपर डिनोमिनेशन है 2000 की, दैट इज द फेस वैल्यू, वो उसकी फेस वैल्यू है जो दिख रहा है एक्चुअली, और उस नोट को जिस पेपर से या जिस मटेरियल से बनाया गया है, ठीक है, उस मटेरियल की मार्केट वैल्यू क्या है, वो बहुत ही नॉमिनल वैल्यू है, बहुत कम है 2000 के मुकाबले, ठीक है. तो दोनों में डिफरेंस है, फेस वैल्यू और मटेरियल वैल्यू में, ठीक है, या फिर जो हमारी कॉमोडिटी वैल्यू है, क्लियर. तो दैट नोट, करेंसी नोट्स जो हमारे पास जितने भी हैं आज के टाइम में हमारी कंट्री के, ठीक है, तो जितने भी करेंसी नोट्स हैं ऑल आर क्रेडिट मनी. ओके, क्रेडिट मनी कौन सी मनी होती है, जिसकी कॉमोडिटी मनी या कॉमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू में डिफरेंस होता है. यू कैन से फेस वैल्यू एंड मेटालिक वैल्यू में डिफरेंस होता है. फेस वैल्यू काफ़ी हाई होती है, और मेटालिक वैल्यू या मटेरियल वैल्यू या कॉमोडिटी वैल्यू जो हम कह सकते हैं, ठीक है, फेस वैल्यू एंड कॉमोडिटी वैल्यू, तो फेस वैल्यू काफ़ी हाई होती है सभी नोट्स की, करेंसी नोट्स की देख सकते हैं हम, और जो उनकी कॉमोडिटी वैल्यू है, जिस कॉमोडिटी से वो मिलके बने हैं, ठीक है, वो वैल्यू काफ़ी कम होती है, ठीक है, तो वो क्रेडिट वैल्यू या क्रेडिट मनी है. ओके, एंड फुल बॉडीड मनी इज द मनी इन विच देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द मनी वैल्यू एंड द कॉमोडिटी वैल्यू, ठीक है, वो करेंसी जिसकी मनी वैल्यू और कॉमोडिटी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, दोनों इक्वल हैं, दैट इज नॉन एज फुल बॉडीड मनी. ओके, सो यू कैन से आज के टाइम में हमारी जो करेंसी है, ठीक है, चाहे वो कॉइन्स की फॉर्म में है चाहे नोट्स की फॉर्म में है, ठीक है, दैट इज इन दैट्स ऑल प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट मनी. ओके, वी डो नॉट हैव एनी करेंसी टूडे इन द फॉर्म ऑफ फुल बॉडीड मनी, या इन प्रीवियस इट डज एग्जिस्ट. ओके, when generally the coins were used as a currency. Okay, जब हम पुराने ज़माने में सिर्फ currency के नाम पे कुछ coins को use करते थे, ठीक है, तो उन coins के form में हमारी money होती थी. तो वो जो coins होते थे वो किस form में होते थे, वो किस material के होते थे, these coins were minted by the precious मेटल्स, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, ओके, एंड धीरे धीरे जो है उनको कुछ ऐसे मेटल्स में कन्वर्ट किया गया, ऐसे मेटल्स के कॉइन्स बनाने लगे जो बहुत ज़्यादा प्रेशियस नहीं होते थे, ठीक है. इनिशियली हम गोल्ड के जो कॉइन्स थे उनको यूज़ करने लग गए थे, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल पुराने ज़माने में उन कॉइन्स को मोहरें बोला जाता था, ठीक है, प्रिंसली कॉइन्स की जब हम बात करते हैं तो सोने की मोहरें यूज़ होती थी, ठीक है. तो गोल्ड एक बहुत प्रेशियस मेटल है जिसका मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होने लगा व्हेन इट्स यूजेस बिकेम वेरीड. ओके, जब इसके यूजेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए तो इसकी वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हुई, बहुत ज़्यादा इंक्रीज भी हुई, फ्लक्चुएट के साथ साथ इंक्रीज ज़्यादा हुई यू कैन से, ठीक है. तो बहुत ज़्यादा रेयर कॉमोडिटी ये बन गया, बहुत ज़्यादा प्रेशियस कॉमोडिटी ये बन गया, ठीक है. तो लोगों ने क्या किया कि एक बार जो गोल्ड कॉइन बना दिया गया, तो जब वो बनाया गया था, सपोज 0.25 ग्राम्स का एक कॉइन बनाया गया, ठीक है, इनिशियली 0.25 ग्राम्स ऑफ गोल्ड. अब 0.25 ग्राम्स ऑफ गोल्ड का जब कॉइन मिंट करके बनाया गया, तो एट दैट टाइम, ओके, जब वो बनाया गया तो उस टाइम पे 0.25 ग्राम्स ऑफ गोल्ड की वैल्यू कुछ रही होगी, लेकिन कुछ सालों बाद, ठीक है भाई, कॉइन तो रहा उस टाइम पे, ओके, द कॉइन डिड एग्जिस्ट, ओके, स्टिल, बट आफ्टर सम टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम ड्यू टू इंक्रीज यूजेस ऑफ गोल्ड, ठीक है, दैट कॉमोडिटी और दैट मेटल हैज बिकेम रेयर, दैट मेटल हैज बिकम रेयर. ओके, सो इट्स मार्केट वैल्यू टेंडेड टू राइज मैनी फोल्ड.
क्लियर, उसकी जो मार्केट वैल्यू थी गोल्ड की वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई। तो जब वो 2.25 ग्राम जो गोल्ड लगा के वो कॉइन बनाया गया था, तो पुराने जमाने में क्या होता था कि जितनी क्वांटिटी से वो कॉइन बनाया हुआ है, 0.25 ग्राम गोल्ड का हमने कॉइन बनाया है, तो उस टाइम पे 0.25 ग्राम तो गोल्ड की जो वैल्यू थी, मार्केट वैल्यू, उतना ही करेंसी का वैल्यू रख दिया जाता था। दैट मीन 0.25 ग्राम ऑफ गोल्ड की वैल्यू सपोज 50 रुपये है मार्केट में, तो कॉइन कितने का हो गया, 50 रुपये, उसके ऊपर 50 रुपये इंस्क्राइब कर दिया गया था, ठीक है, तो इंस्क्रिप्शन 50 रुपीज़ की हो गई। लेकिन ओवर द ईयर्स, 2 और 3 और 5 ईयर्स मीन्स साल बाद, ठीक है, आफ्टर 2 और 3 और 5 ईयर्स, ड्यू टू इंक्रीज यूजेज ऑफ गोल्ड, इट्स प्राइस टेंड टू राइज। सो नाउ नाउ आफ्टर 5 ईयर्स, दैट 0.25 ग्राम्स ऑफ गोल्ड कॉइन बिकेम वर्थ ₹70। ओके, उसका जो मार्केट वैल्यू है उस 0.25 ग्राम्स ऑफ गोल्ड का, ओके, गोल्ड का 0.25 ग्राम्स ऑफ गोल्ड का मार्केट वैल्यू हो गया ₹70। नाउ बट द कॉइन स्टिल हैव द इंस्क्रिप्शन ऑफ ₹50, लेकिन कॉइन के ऊपर अभी भी 50 रुपये ही लिखा हुआ है, ठीक है, तो फेस वैल्यू के हिसाब से ही चलेगा वो, क्लियर। सो पीपल स्टार्टेड यूजिंग द कॉइन बाय मेल्टिंग द कॉइन, पीपल स्टार्टेड यूजिंग दीज कॉइन इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड और मेटल। ओके, उस गोल्ड या उस मेटल की फॉर्म में उन्होंने यूज करना शुरू कर दिया कॉइन्स को, मेल्ट करके या पिघला के। ओके, सो कॉइन्स की शॉर्टेज हुई, करेंसी की शॉर्टेज अराइज हो गई मार्केट में, क्लियर। इस वजह से हमने धीरे धीरे क्या किया, ऐसे मेटल्स या ऐसे मटेरियल्स को यूज करना शुरू किया जो उतने ज्यादा प्रेशियस नहीं थे, ठीक है। तो हमारे पास आज जो कॉइन्स हैं वो अलॉय के हैं, ठीक है, तो वो जो अलॉय लाइक दैट इज आयरन अलॉय के बनाए, आयरन अलॉय के ही कॉइन्स हम आज यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो अलॉय हम यूज करते हैं आज, ठीक है, कॉइन के रूप में, तो वो अलॉय उतना ज्यादा प्रेशियस है, उतना ज्यादा कॉस्टली नहीं है, क्लियर। लेकिन उसकी जो फेस वैल्यू है, दैट मीन्स द अमाउंट विच इज इंस्क्राइब्ड ऑन दैट कॉइन, दैट इज मच हायर देन द क्वांटिटी ऑफ दैट मटेरियल फॉर विच और विद विच द कॉइन इज मिंटेड। उस क्वांटिटी की मार्केट वैल्यू से काफी ज्यादा हाई उसकी फेस वैल्यू है जिस मटेरियल से वो मिलके बना है, ठीक है। सपोज जिस भी अलॉय से वो बना है, ठीक है, 0.50 ग्राम्स का एक कॉइन है, उसकी उस 0.50 ग्राम्स ऑफ अलॉय की मार्केट वैल्यू है 25 रुपये, सॉरी 50 पैसे। ओके, 25 रुपये तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि उससे ज़्यादा डिनोमिनेशन का कॉइन हमारे पास नहीं है, ठीक है, चलन में, ट्रेंड में, तो 50 पैसे है सपोज जो मेटल है जितने भी क्वांटिटी का, लेकिन उसके ऊपर जो इंस्क्रिप्शन है दैट इज फॉर ₹1, क्लियर। तो दैट मीन्स द क्वांटिटी विच इज यूज हैज हाफ द वैल्यू ऑफ दैट कॉइन। ओके, उस कॉइन की वैल्यू का हाफ उसकी मेटालिक वैल्यू या कॉमोडिटी वैल्यू है। ओके, तो यहाँ पे फेस वैल्यू ₹1 है, लेकिन जो क्वांटिटी मिल लगा के बनाया गया है किसी भी मेटल की, उस कॉमोडिटी की वैल्यू जो है 50 पैसे है, तो यहाँ पे हाफ हो गई कॉमोडिटी की वैल्यू उस फेस वैल्यू से, ठीक है। तो इस केस में लोग जो है उसको मेल्ट करके कॉमोडिटी की फॉर्म में यूज नहीं करते, स्टिल इट इज यूज इन द फॉर्म ऑफ अ करेंसी, आज भी लोग उसको करेंसी की फॉर्म में, क्यों, क्योंकि कॉमोडिटी के रूप में उसकी वैल्यू बहुत कम है। ओके, सो दैट इज क्रेडिट मनी। तो आज हमारे पास जितने भी करेंसी है, ठीक है, चाहे वो कॉइन्स की फॉर्म में हो, चाहे पेपर नोट्स की फॉर्म में हो, वो हमारी क्रेडिट मनी है, फुल बॉडीड मनी एग्जिस्ट नहीं करती है। ओके, पहले एग्जिस्ट करती थी फुल बॉडीड मनी, क्लियर। नाउ विल डिस्कस अबाउट द सप्लाई ऑफ मनी। ओके, ये मनी जो है सप्लाई कौन करता है, कहाँ से जनरेट होती है। ओके, नाउ सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। ओके, हमने शुरू में स्टॉक एंड जो फ्लो कॉन्सेप्ट, दो चीज़ें पढ़ी हैं, स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट, दोनों में पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम का ही डिफरेंस है। ओके, तो स्टॉक जो होता है, स्टॉक हमेशा एक पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर किया जाता है, एंड जो फ्लो है वो पीरियड ऑफ टाइम में मेजर किया जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक साल के ड्यूरिंग या एक मंथ के ड्यूरिंग, दैट इज पीरियड ऑफ टाइम, एक साल या एक मंथ। ओके, 30 दिनों का पीरियड है या 365 डेज का पीरियड है, क्लियर। लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर डेट ऑन 31 मार्च द बैलेंस इज
दैट 31 मार्च इज द पॉइंट ऑफ टाइम, ये पीरियड नहीं है, ग्रुप ऑफ डेज नहीं है, ग्रुप ऑफ मंथ्स नहीं है, ओके, इट इज ओनली अ पर्टिकुलर डे, दैट इज अ स्टॉक, ओके. सो द सप्लाई ऑफ मनी है, इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, दैट मीन्स इट इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, इसको हम पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, ओके. एक पर्टिकुलर डे, सपोज 31 मार्च को इंडिया में कितना मनी सप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो वो हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया. अब कौन सप्लाई करता है मनी को, ठीक है, तो देर आर बेसिकली हम जो सप्लायर्स हैं मनी के, ठीक है, उनको कंसीडर करते हैं. कौन मनी सप्लाई करता है, तो मनी सप्लाई करने वाले जो पॉइंट्स हैं हमारे पास, एक तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इज द मनी सप्लायर, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल, या फिर यू कैन से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ओके, जो रिजर्व बैंक ही है, ओके, हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है, ठीक है, तो वो सेंट्रल बैंक इंडिया का आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सो सेकंड सप्लायर आरबीआई है, एंड द थर्ड सप्लायर इज बैंक्स, ओके, जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो थर्ड सप्लायर है, वो भी मनी सप्लाई करते हैं, क्लियर. नाउ द सप्लाई ऑफ, सॉरी, द सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है, सप्लायर्स तो हैं वो लोग, लेकिन जो सप्लाई ऑफ मनी है, ठीक है, उसमें हम किस चीज को इंक्लूड नहीं करते हैं, जो गवर्नमेंट के पास मनी है, ठीक है, मनी सप्लाई में किस चीज को इंक्लूड नहीं किया जाता है, वो मनी का वो स्टॉक जो गवर्नमेंट के पास है, और मनी का वो स्टॉक जो कि बैंकिंग सिस्टम के पास है, यू कैन से सेंट्रल बैंक के पास है, क्योंकि जो सप्लायर्स हैं मनी के, ठीक है, उनके पास जो स्टॉक होता है उसको हम मनी सप्लाई नहीं मानते हैं, ठीक है. सो मनी सप्लाई कौन सी है, जो सर्कुलेशन है, जो लोगों के पास है, ठीक है, वही हमारी मनी सप्लाई होगी, इकोनॉमी में सर्कुलेशन में है या जो लोगों के पास है, ठीक है, पैसा, उसको हम मनी सप्लाई के रूप में ट्रीट करेंगे, ओके, क्लियर. तो जो सप्लायर्स हैं, ओके, सप्लायर्स कौन हो गए, आरबीआई हो गई, ठीक है, गवर्नमेंट हो गई, एंड बैंकिंग सिस्टम, कमर्शियल बैंक्स हो गई, ये हमारे सप्लायर्स ऑफ मनी हैं. और जो सप्लायर्स हैं मनी के, उनके पास जो स्टॉक है मनी का, उसको हम सप्लाई ऑफ मनी में कंसीडर नहीं करते, कि वो सप्लाई नहीं है मनी की. मनी सप्लाई क्या है, जो इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रही है, ठीक है, जो लोगों के पास, ओके. सो सप्लायर्स ऑफ मनी का जो स्टॉक, सप्लायर्स ऑफ मनी के पास जो स्टॉक ऑफ मनी है, उसको मनी सप्लाई में कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंट कॉन्सेप्ट है मनी सप्लाई के, कैसे मेजर करते हैं उनको. सो वी हैव फोर मेथड्स ऑफ मेजरिंग मनी सप्लाई, M1, M2, M3 एंड M4, ओके. सो यू ओनली हैव टू स्टडी M1 कॉन्सेप्ट, M2, M3 एंड M4 कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है. नाउ इनको फर्दर दो कैटेगरीज में और डिवाइड किया जाता है, एक तो नैरो मनी कॉन्सेप्ट एंड सेकेंड वन इज ब्रॉड मनी कॉन्सेप्ट. सो M1 एंड M2 जो है वो नैरो मनी कॉन्सेप्ट के पार्ट है, एंड M3 एंड M4 मनी, सॉरी, M3 एंड M4 जो पार्ट है, कॉम्बिनेशन है, वो ब्रॉड मनी कॉन्सेप्ट है, ओके, क्योंकि वो ज़्यादा जो स्टॉक है वो इसको इंक्लूड करता है. नाउ वी ओनली हैव टू स्टडी M1 कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट, टू मेजर द सप्लाई ऑफ मनी. वॉट डज M1 इंक्लूड्स, M1 इंक्लूड्स C plus DD plus OD. Okay, now what is C? C is the currency held by the general public. Okay, currency held by the general public. लोगों के पास जो पैसा है, ठीक है, चाहे वो पेपर नोट्स की फॉर्म में हो, चाहे कॉइन्स की फॉर्म में हो, दैट इज C. लोगों के हाथ में जो पैसा है अभी, ओके, दैट इज करेंसी, क्लियर, हेल्ड बाय द पब्लिक. नेक्स्ट वन इज DD. DD इज द डिमांड डिपॉजिट्स, ओके, लोगों की वो डिमांड डिपॉजिट्स जो कमर्शियल बैंक्स में है, ठीक है. फॉर एग्जांपल हमारे जो सेविंग्स बैंक अकाउंट एंड करेंट अकाउंट है, ठीक है, वो डिमांड डिपॉजिट्स का पार्ट है, क्लियर. तो हमारी जो सरप्लस है, इनकम का जो सरप्लस है, उसको हम बैंक में जमा करा देते हैं सेविंग्स डिपॉजिट में, ठीक है, तो वो हमारा डिमांड डिपॉजिट का पार्ट है, तो वो भी मनी सप्लाई में आता है, ठीक है. क्यों? क्योंकि उसको हम कभी भी निकलवा सकते हैं. कीप रिमेंबर, टर्म डिपॉजिट्स मनी सप्लाई में नहीं आते हैं, क्योंकि वो एक फिक्स टाइम के लिए ब्लॉक हो जाती हैं, उनको हम जब मर्जी नहीं निकलवा सकते, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद ही निकाला जाता है, तो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं है, ओके, M1 कॉन्सेप्ट में इंक्लूड नहीं होती है, क्लियर. DD, डिमांड डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक्स, इनको हम चेकेबल डिपॉजिट्स भी कह सकते हैं. नाउ व्हाट इज चेकेबल डिपॉजिट्स, चेकेबल डिपॉजिट्स मीन्स सच डिपॉजिट्स अगेंस्ट विच चेक्स कैन बी इशूड.
ऐसे डिपॉजिट जिनके अगेंस्ट चेक इशू किया जा सकता है, ठीक है। फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी जिसको हम कहते हैं, वो टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट है। एफडी के अगेंस्ट हम किसी को चेक काट के नहीं दे सकते। सपोज मुझे किसी को पेमेंट करना है 10,000 रुपये का, ठीक है, तो मैं उसको कैश ना देके उसको 10,000 रुपये का चेक काट के दे देता हूँ, ठीक है। तो वो जब चेक क्लियर होगा तो मेरे सेविंग्स अकाउंट में से अमाउंट डिडक्ट होएगा, ठीक है, मेरे एफडी में से नहीं। अगर सेविंग्स अकाउंट में सफिशिएंट नहीं है तो चेक बाउंस हो जाएगा, एफडी में से डिडक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो तो एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए ब्लॉक है, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट हम चेक से पेमेंट किसी को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो डिमांड डिपॉजिट्स आर चेकेबल डिपॉजिट बिकॉज उनके अगेंस्ट चेक इशू किया जा सकता है, ठीक है। उनके अगेंस्ट चेक इशू मीन्स उस अमाउंट को जो सेविंग्स बैंक में है उसको हम चेक के थ्रू भी निकाल सकते हैं या फिर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। हम किसी को पे कर रहे हैं, दैट इज़ अ ट्रांसफ़र, ओके, थ्रू द चेक, चेक के थ्रू ट्रांसफ़र किया मैंने। नेक्स्ट वन इज़ ओडी। ओडी इज़ अदर डिपॉजिट्स, ठीक है। तो अदर डिपॉजिट्स किसके पास हैं? अदर डिपॉजिट्स में सारी चीज़ें आ जाती हैं जो भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉर एग्जाम्पल नाबार्ड है, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, उसका जो डिपॉजिट है डिमांड डिपॉजिट्स, आरबीआई के पास जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, एंड जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, उनके पास जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, उनको हम ओडी अदर डिपॉजिट्स में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। सो इन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, आरबीआई के पास जो डिपॉजिट्स हैं पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, आरबीआई के पास जो डिपॉजिट्स हैं सेंट्रल बैंक का, एंड जो आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक के पास डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, उन सबको हम अदर डिपॉजिट्स में, हालांकि होंगे सारे डिमांड डिपॉजिट्स, उन डिपॉजिट्स को हम अदर डिपॉजिट्स में काउंट करेंगे। तो ये हमारा है मनी सप्लाई, ओके। सो बहुत सिंपल सा है, सी करेंसी हेल्ड बाय द जनरल पब्लिक, डीडी डिमांड डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक, ये जनरल पब्लिक की ही होगी, एंड अदर डिपॉजिट्स में आते हैं आरबीआई के पास जितने भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका डिमांड डिपॉजिट आरबीआई के पास जो है, ठीक है, एंड आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का जो डिमांड डिपॉजिट है, ठीक है, वो सारा इंक्लूड कर लेंगे तो हमारे पास M1 कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा मनी का, ठीक है। नाउ व्हाट आर डिमांड डिपॉजिट्स एंड व्हाट आर टर्म डिपॉजिट्स, ओके। डिमांड डिपॉजिट्स जैसे कि हमने बताया कि बहुत सिंपल है, वो डिपॉजिट्स विच द डिपॉजिट्स विच कैन बी और फ्रॉम विच द मनी कैन बी विदड्रॉन ऑन डिमांड, वो डिपॉजिट जिनसे पैसा डिमांड पे निकलवाया जा सकता है, ठीक है, ऑन डिमांड निकलवाया, जब भी कस्टमर डिमांड करेगा बैंक को वापस करना पड़ेगा। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं डिमांड डिपॉजिट्स आर द डिपॉजिट्स फॉर विच द मनी हैज़ टू बी रीपेड बाय द बैंक वेन एवर दे आर डिमांडेड बाय द कस्टमर, ठीक है, बैंक्स को वापस करना पड़ेगा वो पैसा, ठीक है, जब वो कस्टमर उनसे मांगेंगे। सो जब भी मांगेंगे तब वापस करना पड़ेगा, दैट इज डिमांड डिपॉजिट, ओके। नाउ नेट डिमांड डिपॉजिट्स एंड ग्रोथ डिमांड डिपॉजिट्स, ओके। नाउ ग्रोथ डिमांड डिपॉजिट्स एंड नेट डिमांड डिपॉजिट्स क्या है? ग्रोथ डिमांड डिपॉजिट्स में हम इंटर बैंकिंग जो क्लेम्स हैं ट्रांजेक्शन हैं वो भी इंक्लूड करके चलते हैं, लाइक चेक से हम करते हैं, ओके। जब मैंने किसी को चेक काट के दिया है, ठीक है, मैंने चेक इशू किया है, ठीक है, किसी को, तो सपोज मैंने SBI का चेक इशू किया है, मेरा अकाउंट SBI में है, सामने वाले का HDFC में है, ठीक है, तो HDFC में जाएगा मीन्स वो SBI में नहीं जाएगा, वो उस बैंक में जाएगा जहाँ पे या जिस बैंक में उसका अकाउंट है, ठीक है। तो मैंने मेरा अकाउंट SBI में था, मैंने उसको SBI का चेक काट के दिया, लेकिन उसका अकाउंट है HDFC में, तो वो चेक लेके HDFC जाएगा जमा कराने, SBI में नहीं जाएगा, ठीक है, तो वो जमा करा देगा, ठीक है, चेक को अपने बैंक में HDFC में। नाउ अब HDFC जो है उस बंदे के अकाउंट को क्रेडिट करेगी कब? जब SBI उसे पे कर देगा, ठीक है। तो HDFC अब कांटेक्ट करेगा SBI को, ठीक है, SBI को कांटेक्ट करेगा कि आपके अकाउंट होल्डर, ठीक है, आपके कस्टमर या जो SBI का कस्टमर है जो कि मैं हूँ, ठीक है, हैज़ टू पे दिस मच अमाउंट, जितने का भी चेक काटा गया है, ओके, दैट कस्टमर ऑफ योर्स HDFC से टू SBI, दैट कस्टमर ऑफ योर्स हैज टू पे ₹10,000 टू वन ऑफ माई कस्टमर, ठीक है, और ओके, आपके किसी एक कस्टमर को, हमारे कस्टमर को ₹10,000 पे करना है, और ये चेक है उसका, ठीक है, तो अकाउंट नंबर वहाँ उस चेक पे लिखे गए हैं, ठीक है।
अब SBI क्या करेगा, HDFC को पे कर देगा, ओके, और HDFC ने क्रेडिट कर दिए उस बंदे के अकाउंट में जिसने चेक डिपॉजिट कराया है, ठीक है, बैंक में, ओके। एक रास्ता तो ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, जब दोनों ही बैंक्स के बीच में कुछ ट्रांजेक्शन्स चल रही हैं, SBI एंड HDFC, ओके। सो अब HDFC को इस केस में SBI से 10,000 रुपये लेने हैं, ठीक है, HDFC को SBI से 10,000 रुपये लेने हैं इस केस में, क्लियर, ओके। क्योंकि चेक जमा कराया गया है HDFC से, कटा किसका है, SBI का कटा है चेक, ओके, क्लियर। चेक इज इशूड बाय कस्टमर ऑफ SBI, ओके, तो SBI का चेक इशू हुआ है, गया किस बैंक में डिपॉजिट होने हैं, HDFC में, ओके। तो HDFC ने बोला SBI को कि 10,000 रुपये हमें पे करो, आपके किसी कस्टमर ने हमारे कस्टमर को पे करने हैं, तो वो दे दे 10,000 रुपये HDFC को। तो एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि दोनों के बीच में ही कुछ सर्टेन ट्रांजेक्शन हो रही थी, ठीक है, कुछ अमाउंट SBI HDFC को ओ करता है एंड कुछ HDFC SBI को ओ करता है, दैट मीन्स दोनों की उधारी है, एक को उसे उसे उसको पे करने हैं, उसे उसको पे करने हैं, ठीक है। तो नाउ केस लेके चलते हैं, HDFC ने 10,000 रुपये मांगने हैं, HDFC कॉलिंग SBI फॉर द पेमेंट ऑफ ₹10,000, बट एट द सेम टाइम HDFC हैज़ टू पे ₹20,000 टू SBI, ओके। अब HDFC को 20,000 पे करने हैं SBI को। सपोज ऐसा भी हो सकता है कि किसी बंदे ने HDFC का चेक काटा हो दूसरे को, और दूसरा बंदा SBI में जमा कराने चला गया हो, और वो 20,000 का चेक है, ठीक है, तो इस केस में SBI मांगेगा 20,000, ओके। तो दोनों ने ही मांगे एक दूसरे से कि SBI 10,000 रुपये HDFC को दे और HDFC 20,000 SBI को दे, क्लियर। तो ये डबल ट्रांजेक्शन करने की बजाय एक सिंगल ट्रांजेक्शन कर ली जाए क्या, SBI इज आस्किंग फॉर ₹20,000 फ्रॉम HDFC, SBI को लेना है 20,000 एंड HDFC इज आस्किंग फॉर ₹10,000 फ्रॉम SBI, क्लियर। तो एक बीच में सेटलमेंट क्या कर लिया जाए कि 10,000 रुपये HDFC दे दे SBI को, ओनली ₹10,000 हैज़ टू बी गिवन बाई HDFC टू द SBI एंड द ट्रांजेक्शन हैज़ बीन सेटल्ड, ओके। दोनों ट्रांजेक्शन सेटल हो गई हैं, क्यों, क्योंकि SBI 10,000 देता फिर HDFC 20,000 देता, दो ट्रांजेक्शन। तो बेटर है कि SBI को जो 20 देना है, ठीक है, उसमें से 10 रख ले, क्योंकि SBI उसको 10 देगा, ठीक है, तो 10,000 ही HDFC पे कर दे SBI को, दैट इज कॉल्ड इंटर बैंक ट्रांजेक्शन, ठीक है, जो इंटर बैंक ट्रांजेक्शन होती हैं, ठीक है। ये हम क्लियरिंग हाउस फंक्शन जो RBI के फंक्शन हैं उसमें भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो क्लियरिंग हाउस फंक्शन है ये RBI परफॉर्म करता है, चेक्स की ट्रांजेक्शन जो क्लियरिंग होती है वो RBI के थ्रू होती है, ठीक है। तो इस तरीके से इंटर बैंक ट्रांजेक्शन या इंटर बैंक क्लेम्स होते हैं जो ग्रोथ डिमांड डिपॉजिट में इंक्लूडेड है लेकिन नेट डिमांड डिपॉजिट में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म डिपॉजिट्स हैं। टर्म डिपॉजिट्स हम पहले डिस्कस किए हैं कि दीज आर द टाइम डिपॉजिट, दैट मीन्स इन विच द अमाउंट इज डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड, एक फिक्स टाइम पीरियड या सर्टेन टाइम पीरियड के लिए जो है अमाउंट जमा करा दिया जाता है, एंड बिफोर दैट टाइम पीरियड दैट अमाउंट कैन नॉट बी विदड्रॉन बाय द कस्टमर, ओके। फॉर एग्जाम्पल FD एंड RD फिक्स डिपॉजिट्स एंड रिकरिंग डिपॉजिट्स टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट्स के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। एक सर्टेन सपोज 5 साल के लिए FD करा दिया है तो 5 साल से पहले पैसा नहीं निकलेगा, हालांकि एक लॉक इन पीरियड और एक मेच्योरिटी पीरियड होता है, ठीक है। तो लॉक इन और मेच्योरिटी के बीच में हम पैसा निकाल सकते हैं लेकिन हमें उतना इंटरेस्ट नहीं मिलेगा या उतना अमाउंट नहीं मिलेगा जितना अश्योर्ड था शुरू में जब FD कराई थी, ठीक है। तो उसको हम FD तुड़वाना बोलते हैं कि FD तुड़वा ली गई है। ये सिर्फ होता है लॉक इन और मेच्योरिटी पीरियड के बीच में, लॉक इन पीरियड से पहले हम पैसा नहीं निकाल सकते हैं। सपोज 5 साल के लिए FD कराई एंड लॉक इन पीरियड इज फॉर 2 ईयर्स, तो 2 साल से पहले नहीं निकलेगा, बट बिटवीन 2 ईयर्स टू 5 ईयर्स हम पैसा निकाल सकते हैं FD से भी, लेकिन वो इंटरेस्ट उतना नहीं लगेगा जितना हमारा लगता, ओके। सो दैट इज द टाइम और टर्म डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट एंड RD जो है फिक्स टाइम पीरियड के लिए किया जाता है जिसमें एक सर्टेन टाइम पीरियड से पहले पैसा नहीं निकाला जाता है। नेक्स्ट, हु सप्लाइज मनी, हम मनी सप्लायर्स पढ़ चुके हैं, 3 पार्टीज आर देयर हु सप्लाइज मनी, वन इज गवर्नमेंट, अदर वन इज RBI एंड अदर वन, नेक्स्ट वन इज बैंकिंग सिस्टम, कमर्शियल बैंक जिनको हम कहते हैं, ओके। तो जो हमारा पूरा जो लाइक यू कैन से जो करेंसी इशू होती है, ठीक है, वो RBI इशू करता है जितने भी
करेंसी नोट्स है, ठीक है, 1 रुपी को छोड़ के जितने भी करेंसी नोट्स हैं, ओनली नोट्स, ठीक है, वो आरबीआई इशू करता है। एंड जो 1 रुपी का जो करेंसी नोट एंड कॉइन एंड ऑल अदर कॉइन्स, यू कैन से 1 रुपी का जो करेंसी नोट है और बाकी जितने भी कॉइन्स हैं, वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। गवर्नमेंट ने अपने पास अथॉरिटी रखी हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। वाई? सो बिकॉज दिस इज़ अ मिनिमम डिनोमिनेशन, ठीक है, एक करेंसी का मिनिमम डिनोमिनेशन है, ठीक है, मतलब आप पेमेंट्स को मिनिमम अमाउंट तक, कहाँ तक ब्रेक कर सकते हैं, फ्रैक्शन फ्रैक्शन किया जा सकता है 1 रुपी तक, ठीक है, तो एक बेस है ये, ठीक है, तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास ये अथॉरिटी रखी है। ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता है 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी नोट एंड ऑल अदर कॉइन्स एंड ऑल द कॉइन्स, यू कैन से। एंड आरबीआई जो है वो सारे करेंसी नोट्स एक्सेप्ट 1 रुपी, ऑल द करेंसी नोट्स आर इशूड बाय आरबीआई। तो कमर्शियल बैंक्स कैसे सप्लायर हो गया? वो तो दोनों मनी सप्लाई कर रहे हैं करेंसी इशू करके, नोट छाप के। कमर्शियल बैंक कैसे करता है? कमर्शियल बैंक जो है अपनी जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं, डिमांड डिपॉजिट्स क्या है, लोगों का पैसा जो उसके पास है, ठीक है, उस पैसे को फर्दर लोन्स के रूप में एडवांस या ग्रांट करके मनी क्रिएट करता है, ठीक है, लोगों को वो पैसा देता है। तो एक तरीके से वो मनी सप्लाई ही कर रहा है, क्योंकि लोगों के पास जो पैसा है उसी को हम मनी सप्लाई में कंसिडर करके चल रहे हैं। ओके, तो बैंकिंग सिस्टम में जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं वो मनी सप्लाई नहीं है, लोगों के पास जो है वो मनी सप्लाई है, ठीक है। तो अगर कमर्शियल बैंक सारा का सारा डिपॉजिट अमाउंट अपने पास रख लेंगे तो मनी सप्लाई कुछ भी नहीं मारा जाएगा। ओके, उस टाइम पे बैंक्स के द्वारा मनी सप्लाई नहीं हुई कमर्शियल बैंक्स के द्वारा। अब उस डिपॉजिटेड अमाउंट को अगर वो लोन के रूप में देंगे, ठीक है, तो ही मनी सप्लाई कंसिडर किया जाएगा। सेकेंड वन, वो डिपॉजिट्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं, तो इंटरेस्ट कहाँ से आता है, ठीक है, वो अपनी जेब से तो देते नहीं है, तो वो इंटरेस्ट वहीं से आता है जो लोन दिया उसके ऊपर वो इंटरेस्ट लेते हैं। तो वो काफ़ी हाई इंटरेस्ट लेते हैं और लोन्स एंड डिपॉजिट्स के ऊपर लो इंटरेस्ट पे करते हैं, ठीक है, तो उनकी इनकम होती है वहाँ से। क्लियर? तो इस तरीके से मनी सप्लाई के 3 पार्ट्स हैं। नाउ जो आरबीआई करेंसी इशू करता है, करेंसी नोट्स इशू करता है, वो किस बेस पे इशू करता है? कोई तो कोई पैरामीटर रहा होगा, ठीक है, तो उसके लिए एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो मेंटेन किया गया, दैट इज़ द बैकअप, ओके, फॉर द करेंसी नोट्स विच आर बीइंग इशूड और करेंसी फॉर विच इज बीइंग इशूड, ठीक है, उस करेंसी के लिए बैकअप है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम है कि आरबीआई को 200 करोड़ का मिनिमम रिजर्व मेंटेन करके रखना है इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन करेंसी। ओके, जिसमें 115 करोड़ के गोल्ड, ओके, एंड 85 करोड़ की फॉरेन करेंसी, ठीक है, वो डॉलर पाउंड जो मर्जी हो सकती है, उस फॉरेन करेंसी के रूप में मेंटेन करके रखना होता है। ओके, क्लियर? तो ये था मनी सप्लाई। ओके, इशू कौन करता है करेंसीज को? आरबीआई सभी करेंसी नोट्स को। एंड जो 1 रुपी का करेंसी नोट एंड सारे कॉइन्स, वो आरबीआई, सॉरी, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकते हो, ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 1 रुपी नोट एंड सभी कॉइन्स इशू करती है, एंड आरबीआई सभी करेंसी नोट्स को इशू करता है, ठीक है। तो ये था हमारा मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ कुछ बेसिक टर्म्स हैं, बैंक मनी क्या है और हाई पावर्ड मनी क्या है। बैंक मनी वो मनी है जो बैंक्स के पास है, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट्स की फॉर्म में। ओके, ऑल द स्टॉक ऑफ मनी विच इज विद द बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स, दैट इज बैंक मनी। एंड हाई पावर्ड मनी इज, हाई पावर्ड मनी क्या है? करेंसी हेल्ड बाय द पीपल एंड वोल्ट कैश एज वेल एज कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक विद आरबीआई। लोगों के पास जो पैसा है, ठीक है, और जो लोगों का पैसा बैंक्स के पास है, कमर्शियल बैंक्स के पास है, ठीक है, किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो जिसको हम बोलते हैं, जो कि आरबीआई के पास रखा होता है कमर्शियल बैंक्स ने, और वो रिजर्व, ठीक है, वो रिजर्व जो कमर्शियल बैंक्स ने अपने पास रखा हुआ है, ठीक है, दो तरह के रिजर्व रखते हैं कैश की फॉर्म में। वो जो एसएलआर है वो तो लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में है, कैश की फॉर्म में भी दो तरह का रिजर्व रखते हैं कमर्शियल बैंक। एक तो वो जो कि रिक्वायर्ड है, मिनिमम रिक्वायर्ड है, ठीक है, जो आरबीआई के द्वारा इम्पोज किया गया, थोपा गया है कमर्शियल बैंक के ऊपर, जिसको हम सीआरआर कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, जो कि रखना मैंडेटरी है, रखना ही रखना है टोटल डिपॉजिट्स का एक सर्टेन परसेंटेज आरबीआई के पास, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, कमर्शियल बैंक्स अपने पास भी कुछ कैश रखते हैं, तो वो कैश जो है वोल्ट कैश है। ये बैंक टू बैंक वेरी करेगा, ठीक है, बैंक्स आर एट ओन डिस्क्रेशन,
टू मेंटेन वॉल्ट कैश। बैंक्स अपनी मर्जी से मेंटेन करते हैं, ठीक है, बट सीआरआर बैंक टू बैंक वेरी नहीं करेगा। तो दिस इज हाई पावर्ड मनी करेंसी हेल्ड बाय पीपल, वॉल्ट कैश रिजर्व, ओके, ये कमर्शियल बैंक्स के पास ही कैश रिजर्व है, एंड सीआरआर जो कि आरबीआई के पास है, ओके। तो ये दो टर्म्स हमने यहाँ पे पढ़नी है, क्लियर। तो यहाँ पे चैप्टर खत्म। सो नेक्स्ट बैंकिंग में मनी क्रिएशन पढ़ेंगे।